इंटीग्रेशन 7.2 तक के जो डाउट्स हैं, महक का 7.1 का फोर्थ पार्ट, महक यहां पे ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर दो, देंगे बेटा, सिंपल सा है ये तो, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स डी एक्स, ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी. इज दिस क्लियर? मैग ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा. कृष्णा का भी सेम डाउट था, कृष्णा आपका डाउट हो गया. बच्चे महक पहले इसका ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपांड कर लो. ए स्क्वायर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय थ्री, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटू वन, वन का इंटीग्रल एक्स, ए बी कॉन्स्टेंट एज वेल एज एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, तो टू से टू कट जाएगा. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट बच्चे यहां तक और किसी का कोई डाउट तो पूछ लो. एग्जाम्पल नंबर टू का सेकेंड एंड एग्जाम्पल सिक्स का सेकेंड एंड थर्ड, अगर कोई एग्जाम्पल में डाउट हो तो वो भी पूछ लो. जैसे कृष्णा का एग्जाम्पल नंबर सिक्स में डाउट है, कहां चला गया सिक्स? कृष्णा ये मैंने अभी नहीं करवाए थे बेटा, जान गई, ये मैंने ही मिस करवाए थे कृष्णा, बिकॉज एक बार अच्छे से आ जाए, क्योंकि ना इसमें इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं आगे पीछे हैं, तो एक एक करके लेवल क्रिएट होगा फिर हम वहां पे पहुंचेंगे. प्रणित का 20 एंड 22, प्रणित 7.2 में, प्रणित यू हैव डाउट इन 7.2 और 7.1? 7.1 में तो बच्चे साथ में लिखो 20 22, तो हमने लास्ट क्लास में कर दे यार. 20th क्वेश्चन में ये डिनोमिनेटर को अलग कर लो बेटा, 2 अपॉन cos स्क्वायर माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर आंसर आ जाएगा. 22nd क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव ये गिवन है, अगर ये आपके पास डेरिवेटिव गिवन है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा इसी फंक्शन को, तो fx आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद वहां पे x को 2 पुट कर दोगे इक्वल टू 0, जिससे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, और कांस्टेंट को वापस सब्स्टिट्यूट, देखो मैं करके दिखा दूं, ये यहाँ पे जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है वो 4x क्यूब माइनस 3x अपॉन 4 है, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 4, और f2 0 गिवन है, तो आप हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को दोबारा इंटीग्रेट कर लो, आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 3 x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस सी, जिससे हमारा ये फंक्शन आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस सी. इज दिस क्लियर? ये जो फंक्शन गिवन था ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म में था, इसको मैं दोबारा इंटीग्रेट कर दूंगा तो आपका फंक्शन आ जाएगा, जब इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे कांस्टेंट भी आ जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको गिवन है कि फंक्शन एफ ऑफ टू ये 0 है, तो मतलब 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस सी इज इक्वल टू 0, 16 प्लस 1 बाय 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट पे ले लेंगे 16 एट द 128 प्लस 1 माइनस 129 बाय 8, इसको यहाँ वापस सब्स्टिट्यूट कर दो तो फंक्शन आ जाएगा, तो फिक्स आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x 4 1 अपॉन x क्यूब माइनस 129 अपॉन में 8. इज दिस क्लियर? नोट कर लो बेटा. और प्रणित क्वेश्चन नंबर 20 में डिनोमिनेटर को अलग अलग करना था,
कर लो भाई। हो गया नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ा स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं हमारे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसका कर चुके थे। वन टू थ्री कर चुके थे। यहाँ पे इंटीग्रल करा बेटा x की पावर 4/4, 4 से 4 कट जाएगा दिग्जोत। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए जो आप लोगों ने करना है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 से, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ये है आपका √ax + b √ax + b क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट कैसे करें इसको √ax + b को। अब यहां पे अगर मैं इस रूट को हटा के पूरे की पावर हाफ लिख लूं तो ऐसी फॉर्म में भी आपने नहीं करा अभी। यहां पे आप क्या करेंगे जो रूट के अंदर वाला जो फॉर्म है उसको टी लेट कर लो। ये हो जाएगा a x का डेरिवेटिव 1 dt/dx, तो मतलब a dx/dt, dx की वैल्यू आ जाएगी dt/a। तो dx की आपने वैल्यू निकाली बेटा dt/a, तो वो कांस्टेंट है बाहर 1/a आ जाएगा। और ये हो जाएगा रूट, इसके अंदर वाले को t लेट कर लिया तो हो जाएगा √t। यहां तक क्लियर है सबको? अब रूट टी का मतलब हो गया टी की पावर हाफ, क्या हो जाएगा हाफ प्लस 1 3/2/3/2, यहां पे 1/a + c, जिससे आ जाएगा 2/3a टी की पावर 3/2 + c 2/3a ax + b की पावर 3/2 + c। दिस इज द फाइनल आंसर। Is this clear? नोट बाद में करना है, मेरे को पहले क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने हैं बेटा। मेरे को एक्सरसाइज को खिंचवाना है थोड़ा सा जल्दी। आप लोग नोट मत करो, नोट एंड में करना, पहले समझ लो सबको। सबको यहां तक समझ आ गया? चैट बॉक्स में फटाफट यस लिखो अगर समझ आ गया तो। ग्रेट। अगला क्वेश्चन, x√x + 2। अभी नोट मत करो, एंड में करना है तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। इसको कैसे करें? x√x + 2 को बताओ। कैसे करें बच्चे? यहां पे x + 2 को t लेट कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी t − 2 dx = इसको डिफरेंशिएट करो, x का डेरिवेटिव 1, ये हो जाएगा dt/dx, तो मतलब dx = dt। क्वेश्चन में dx की बेटा वैल्यू हो गई dt, यहां पे x आ रहा है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी t − 2, साथ में √x + t, √x + 2 के ऊपर रूट है तो मतलब t की पावर हाफ। यहां तक क्लियर है? यहां तक बच्चे सबको क्लियर? एवरीवन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, फटाफट रिप्लाई करो। अब क्या करेंगे, टी की पावर हाफ को एक बार टी से और एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फर्दर आपको आता ही आगे सॉल्व करना जो आपका पहली फर्स्ट एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन कर चुके हो। अब हम अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, x√1 + 2x² x√1 + 2x² इसके अंदर किसको लेट करें?
यहां पे किसको लेट करेंगे बच्चे? वन क्या लिखा है? अच्छा रूट के अंदर वाले को। अब ना मैं सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूं, देखो अब इसको अंदर को पढ़ रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा? इस पूरे का डेरिवेटिव कितना आएगा रूट के अंदर वाले का? 4x आएगा। वेरी गुड। और यहां पे x, तो मैं क्या कर सकता हूं, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अब ये क्यों करा अभी समझ आएगा आपको। लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t, 4x dx इक्वल टू dt, तो 4x dx सीधा हट गया। समझ आया? तो जो मैं यहां करा था, जो मैं यहां पे dt by a ले करा रहा था, वो यहां पे पहले ही मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आया। ये स्टेप सबको समझ आ गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मैं 4 से नहीं भी मल्टीप्लाई करता ना, तो आखिरी में इवेंचुअली dt by 4 ही बचता। मैं आखिरी में अगर इसको 4 से ना होता तो x dx की वैल्यू निकालता तो dt by 4 ही आता। बढ़िया। ये और ये हो गया रूट टी, और रूट टी आपको पता ही है t की पावर 1/2 हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तब तक आप सोचो किसको लेट करेंगे। फोर एक्स प्लस टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। वेरी गुड। किसने रिप्लाई करा सबसे पहले? ये कृष्णा ने। वेरी गुड कृष्णा। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? ऑब्वियसली रूट के अंदर वाले को टी लेंगे। इसका डेरिवेटिव कितना है महक? सोचो ढंग से। 2x plus 1, इसका डेरिवेटिव कितना है बेटा? 2x plus 1, लेकिन यहां क्या है? 4x plus 2, कोई बात नहीं, यहां से 2 पहले कॉमन ले लो। 2x plus 1, root of x square plus x plus 1 dx, इसको t लोगे तो ये dt बन जाएगा, इसको t ले लो। समझ आ गया? समझ आ गया भाई सबको? तो इस मेथड से ना जो आपकी जो कैलकुलेशन है, स्पीड है, अब आप ऐसे बढ़ा पाओगे। ये एक 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 स्टेप दिखाना तो ये भी पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, बट आपकी कैलकुलेशन अब अपने आप को खुद स्पीड अप कर पाओगे। नोट करो फटाफट। नहीं समझ आया? तमर इसका डेरिवेटिव ले बेटा कितना हो जाएगा? 2x plus 1, तब तक आप लोग नोट कर लो। तमर इसका बेटा डेरिवेटिव कितना होगा? 2x plus 1, और बेटा यहाँ पे है 4x plus 2, तो इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो ये बन गया 2x plus 1। इसको t पुट करोगे तो 2x plus 1 dx ये बन जाएगा dt, और ये हो जाएगा रूट t। तमर समझ आ गया बेटा? नोट करो बच्चे, नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन। थोड़े क्वेश्चंस की स्पीड खींच ले हम लोग। नोट करने के बाद चैट बॉक्स पे डन। मन्नत का हो गया, कृष्णा का हो गया, गुरवीन का हो गया। वेरी गुड। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करो बच्चे। देखो भाई सबका आई गेस नोट कर लिया आप लोगों ने, बट मैं फिर भी रुक जाता हूं, आगे करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सोचिए कैसे करना है। दिस इज 1/(x-√x)
dx अपॉन, देखो यहां पे क्वेश्चन में ना dx नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब आप लिखोगे इसको इंटीग्रेट करने तो dx लिखना पड़ेगा, dx अपॉन x माइनस रूट एक्स। बताओ भाई सोचो कैसे करेंगे। यश आप कह रहे हो सर x को t ले लो, बेटा बेटा x को t लेने से देखो कुछ बेनिफिट हो रहा है। कृष्णा कह रहा है x कॉमन ले लो, गलत है। महक वेरी गुड, महक वेरी गुड, प्रणित गलत है। यहां पे रूट एक्स को कॉमन लेंगे, वेरी गुड महक। एक्स और रूट एक्स में से रूट एक्स कॉमन ले लो तो हो जाएगा रूट एक्स माइनस वन। अब क्या करेंगे, फिर रूट एक्स माइनस वन को टी ले लेंगे, वेरी गुड महक। वन रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स डीएक्स बाय डीटी, तो डीएक्स इक्वल डीटी हो जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू डीटी और ये टू नीचे था तो ऊपर चले जाएगा, तो ये टू डीटी अपॉन में रूट एक्स माइनस वन की वैल्यू टी, वन बाय टी इज लॉग टी और इसकी वैल्यू है रूट ऑफ एक्स माइनस वन। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चे। इज दिस क्लियर? आप कृष्णा कह रहे सर मैंने भी ऐसे ही बोला था। कृष्णा आपने कहा था एक्स कॉमन या रूट एक्स कॉमन लेना। सबको समझ आ गया बेटा? नोट बाद में। समझ आ गया सबको? यूज योर चैट बॉक्स एवरीवन। गुड, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस फोर। एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस फोर कैसे करें, कैसे करें बच्चे? एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस फोर बताओ भाई। गुनवीन, महक, दिवजोत, वेरी गुड। एक्स प्लस फोर को टी ले लेंगे, एक्स की वैल्यू टी माइनस फोर, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो x की वैल्यू t माइनस फोर डी टी अपॉन में रूट टी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर सबको? अब रूट टी का मतलब t की पावर हाफ, रूट टी को अलग अलग कर लो, t अपॉन रूट टी, t की पावर हाफ, t की पावर माइनस हाफ, फर्दर इंटीग्रेट कर लो अपने आप और आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th पहले करते हैं फिर 14th करेंगे। 13 देखिए कह रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स थ्री एक्स क्यूब। 13 एक्स स्क्वायर अपॉन में 3x क्यूब का होल क्यूब। बताइए किसका डेरिवेटिव लें, सॉरी किसको t लें? डिनोमिनेटर को 2 प्लस 3x क्यूब को t ले लेंगे बेटा, वेरी गुड। तो जाएगा 9x square dx is equal to dt, x square dx is dt by 9 और यह आ जाएगा t cube, 1 upon t cube है मतलब t की पावर माइनस 3। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग फर्दर। नोट कर लो
और नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन। किसी का डाउट है तो चार्ट बॉक्स पे डाउट लिख दीजिए। हो गया बेटा, लिख लो इसको। हो गए बच्चे, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। मैं किशप्रीत एंड गुनवीन आर देयर डन, वेरी गुड। हो गया भाई, बड़े धीरे धीरे काम करते हो यार तुम लोग। हाँ, कोई बात नहीं, कर लो आराम से करो। हो गया, ये था हमारा 13th 14th क्वेश्चन। वन अपॉन एक्स लॉग एक्स रेज़ टू द पावर एम, 14th एक्स log x की पावर m, किसको t लेट करें? दिपजोत आप बताओ, शौर्य किसको t लेट करेंगे? वेरी गुड गुनवीन, वेरी गुड प्रणित, शौर्य वेरी गुड। log x को t लेट कर लो, 1 by x dx equal to dt, dt upon t की पावर m, t की पावर m, t की पावर minus m dt, इसको इंटीग्रेट कर लोगे आंसर आ जाएगा। इसके आगे खुद सॉल्व कर लीजिएगा बच्चे। फोर्टींथ इज डन, फिफ्टींथ में डिनोमिनेटर को टी लेट कर लेंगे। सिक्सटींथ क्वेश्चन ई की पावर 2x+3, 15th खुद कर लोगे, 16th में e की पावर 2x+3, तो इसको क्या करेंगे? e की पावर बच्चे 2x+3 dx, किसको t लेट करें? वेरी गुड कृष्णा, हम लोग पावर को लेट कर लेंगे। 2x+3 is equal to 3, 2 dx is equal to dt, तो dx की वैल्यू dt by 2, और ये हो जाएगा e की पावर t, e की पावर t plus c, clear to all, is this clear to all? मन्नत कोशिश कर लो बेटा किसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। यही तो आएगा इसका आंसर, और क्या आएगा? नहीं नहीं डेरिवेटिव, हाँ तो उससे भी तो करोगे सेम ही आंसर आएगा। कृष्णा और कृष्णा कह रहा हूं, गुनगी कौन कह रहा है? इसका आंसर ये नहीं आ रहा, चेक करो पीछे, इसका आंसर चेक करो, ये आ रहा है पीछे। गुनवीन कह रहे हैं सर इसमें इंटीग्रल लेके फिर अंग, हाँ बेटा वो भी कर सकते हो गुनवीन, वो भी कर सकते हो बेटा, विदाउट टी भी हो सकता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था।
इस पूरे का इंटीग्रल सेम रहेगा और 2x plus 3 का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो भी ठीक है। दिस इज अदर वे अराउंड, क्योंकि इंटीग्रेशन है ना, जितनी मर्जी तरीके से सॉल्व कर लो। 17 x dx upon e की पावर x square, बताओ भाई क्या करें? x dx upon e की पावर x square, e की पावर x square, very good। x की x square को t लेट कर लेंगे, x dx is dt by 2 और e की पावर t, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे ई की पावर माइनस टी डी टी, ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन प्लस सी, माइनस वन बाय टू ई की पावर टी प्लस सी, और टी की बेटा वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इज दिस क्लियर? ऐसे केसेस में लेट करना है बेटा प्रणित, हर केस में नहीं। नहीं बेटा, e की पावर x को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि e x का होल स्क्वायर नहीं है, महक x का स्क्वायर है। क्लियर? नोट बाद में। 18th क्वेश्चन, सोचो कैसे करेंगे। e की पावर tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड गुनवीन एंड इश्प्रीत, कृष्णा यश, वेरी गुड, धीरे धीरे पिक कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड। tan इनवर्स x को t ले लेंगे, ये हो जाएगा dt e की पावर t, e की पावर t dt आंसर आ जाएगा, वेरी गुड। नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। प्रणित का गलत है, प्रणित वन प्लस एक्स स्क्वायर को नहीं लेंगे बेटा, करो भाई नोट करो। हो गया दिवजोत, समझ भी आ रहा है बेटा, सिर्फ नोट ही हो रहा है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19-20 आर इंपॉर्टेंट। देखो अभी तक इतने क्वेश्चन कर दे मैंने, 18 तक एक बार नहीं बोला कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाइनटीन्थ करने से पहले 20th कर लो, तो आइडिया लग जाएगा कि 19th कैसे करना है। 20th पहले लिख लो बेटा, e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स
अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x. बताओ भाई कैसे करेंगे इसको. वेरी गुड स्प्रीत कृष्णा. यस कह रहे सर 2x को t ले लो कोई बेनिफिट नहीं होगा. वेरी गुड महक. हम लोग यहां क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को t ले लो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है. डिनोमिनेटर को t ले लो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है बच्चे. t की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t. इसका डेरिवेटिव e की पावर 2x 2 माइनस 2 इनटू e की पावर माइनस 2x. dx इज इक्वल टू dt. e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x. dx इज इक्वल टू dt by 2. Is this clear to all? और ये इसका आंसर आ गया. नोट बाद में कर लेना, समझने पे फोकस करो. सिर्फ महक का समझ आया, बाकी बच्चे नोट करने में फोकस्ड हैं या समझने में. कृष्णा इज डन. एनीवन डाउट इन दिस क्वेश्चन? हाँ तो बोलो ना, अब तो मैं अगला क्वेश्चन करने लगा था. देखो बच्चे डिनोमिनेटर को टी लेट कर लिया था हमने. अब ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x. e की पावर 2x है, e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम ex रहेगा. अगर e की पावर 2x रहेगा तो होगा e की पावर 2x, फिर एंगल का डेरिवेटिव. यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव 1 हो जाता है इसलिए लिखते नहीं है. यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, तो ये रहा माइनस 2x में माइनस 2 आ जाएगा. तो बाकी फंक्शन आ जाते हैं, पूरे में से 2 कॉमन लिया था उसको नीचे ले आए थे. तो न्यूमरेटर की वैल्यू dt by 2 और 1 upon dt by t. तमर समझ आया बच्चे? गुड. अब 19th क्वेश्चन. e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1 dx. हाँ जी बताओ. डिनोमिनेटर को हर जगह महक डिनोमिनेटर को लेकर नहीं आ जाता आंसर. इशप्रीत चैप्टर कर चुके हो गया स्कूल में? चैप्टर हो गया इशप्रीत? गुलवीन कह रही है, प्रणित कह रहा है सर e की पावर 2x गलत, e की पावर 2x को t गलत, महक e की पावर 2x गलत. यश कह रहा है सर 2x नहीं, ये स्पेसिफिक केस है. यहाँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x. e की पावर x को t लेट कर लो, सॉरी डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे. ये बन जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x. ये स्टेप कैसे आया ये देखो. e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e x, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x. बेसिस सेम, पावर सबट्रैक्ट 1 अपॉन की फॉर्म में तो माइनस हो जाएगा. बेसिस सेम, पावर सबट्रैक्ट 1 अपॉन है तो इस फॉर्म में आ जाएगा. अब डिनोमिनेटर को टी लेट कर लो, तो ये डी टी बाई टी लॉग टी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी. क्लियर टू ऑल? नोट कर लो.
किसी का डाउट है तो चैट बॉक्स में डाउट डाल दो। कुछ बच्चे कह रहे थे कि डिनोमिनेटर को टी लेट कर लो, बट इसको टी लेके ऊपर वाला हट नहीं रहा था। अगर क्वेश्चन में ऊपर माइनस वन ना होता ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। मन्नत हमें ना इस तरीके से लेट करना पड़ता है कि डिनोमिनेटर को लेट करके ऊपर आ जाए या ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे आ जाए। बट अगर e की पावर 2x प्लस 1 जो डिनोमिनेटर उसको t लेट करूंगा तो 2e 2x आएगा, बट ऊपर वाले में साथ में माइनस 1 भी है तो वो तो हटेगा नहीं। तो उसको हटाने के लिए मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड कर दिया ताकि ये जो पहले क्वेश्चन जैसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वो, और फिर डिनोमिनेटर को लेट करके न्यूमरेटर आ जाएगा बेटा। ठीक है, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नोट कर लीजिए बच्चे, हो गया भाई? तो क्वेश्चन नंबर 23 आप खुद सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? हाउ विल वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23? यस, साइन इनवर्स एक्स को टी ले लेंगे, उसका डेरिवेटिव नीचे आ रहा है। 23rd खुद करेंगे। 24th बताओ, 24th हाउ विल वी सॉल्व 24th? डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर को इक्वल टू टी पुट कर लेंगे। डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है बेटा। फिर इसके बाद मैं 23 को मार्क कर लेता हूं, होमवर्क है। 24 होमवर्क है। 26 को कैसे करेंगे? हाउ विल वी सॉल्व 26? एवरीवन प्लीज ट्राई, हाउ विल वी सॉल्व 26? वेरी गुड, रूट एक्स को टी ले लेंगे, रूट एक्स को टी ले लेंगे। वेरी गुड बेटा। 27th, वेरी गुड महक। हम लोग सिर्फ शौर्य सिर्फ साइन 2x को लेंगे, रूट को नहीं लेंगे। हम लोग सिर्फ रूट के अंदर जो है साइन 2x उसको टी लेट कर लेंगे बेटा। 28th, जो बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे चैट बॉक्स पे करिए बेटा। 28th, वेरी गुड दिवजोत। यस गलत है बच्चे, डिनोमिनेटर को लेट करेंगे 1 प्लस साइन एक्स को, 1 प्लस साइन एक्स को टी लेंगे, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, वो न्यूमरेटर में आ रहा है तो कॉस एक्स डीएक्स हट जाएगा बेटा।
मन्नत ऐप में है बेटा। 29th क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, कॉटेक्स लॉग साइन एक्स। प्रणित कह रहा है साइन एक्स को गलत है, सहज इज राइट, महक गलत। हम लोग लॉग साइन एक्स को टी लेंगे, हम लोग लॉग साइन एक्स को टी लेंगे बेटा। देखो लॉग साइन एक्स को टी, लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस अपॉन साइन इज कॉट, कॉटेक्स डीएक्स इज इक्वल टू डीटी। समझ आ गया? तो लॉग को लेंगे, थर्टीएथ क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर को टी, 31st डिनोमिनेटर को टी, 35 न्यूमरेटर को टी ले लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स को, 37th बताओ बेटा, 37th किसको टी लेट करें? श्योर है? नो बेटा, हम लोग यहां टैन इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी लेट कर लेंगे। ये टैन इनवर्स एक्स की पावर 4, इससे एक तो डिनोमिनेटर और स्टार्टिंग का जो एक्स क्यूब है दोनों हट जाएंगे। टैन इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी लेट कर लेंगे बच्चे। इज दिस क्लियर टू ऑल?